ओम शांति। 16 जनवरी 1975, आधार मुहूर्त के दृढ़ संकल्प में कभी हलचल के संकल्प रहते हैं तो विनाश अर्थ निमित्त बनी हुई आत्माओं में भी कभी जोश कभी होश आ जाता है। आधार मुहूर्त आत्माओं का संकल्प ही विनाश अर्थ निमित्त बनी हुई आत्माओं की प्रेरणा का आधार है। तो अपने आप से पूछो कि प्रेरक शक्ति सेना का संकल्प दृढ़ निश्चय बुद्धि है और स्वयं एवर रेडी है। जैसे यज्ञ रचने के निमित्त ब्रह्मा बाप के साथ ब्राह्मण बने, तो यज्ञ से प्रज्वलित हुई यह जो विनाश ज्वाला है, इसके लिए भी जब तक ज्वाला रूप नहीं बनते तब तक यह विनाश की ज्वाला भी संपूर्ण ज्वाला रूप नहीं लेती है। यह भड़कती है फिर शीतल हो जाती है। कारण, क्योंकि ज्वाला मूर्त और प्रेरक आधार मूर्त आत्माएं अभी स्वयं ही सदा ज्वाला रूप नहीं बनी है। ज्वाला रूप बनने का दृढ़ संकल्प स्मृति में नहीं रहता। 16 जनवरी 1975 की अव्यक्त वाणी है। बाबा कह रहे हैं, आधार मूर्त के दृढ़ संकल्प में कभी हलचल के संकल्प रहते हैं तो विनाश अर्थ निमित्त बनी हुई आत्माओं में कभी जोश कभी होश आ जाता है। आधार मूर्त आत्माओं का संकल्प ही विनाश अर्थ निमित्त बनी हुई आत्माओं की प्रेरणा का आधार है। तो अपने आप से पूछो कि प्रेरक शक्ति सेना का संकल्प दृढ़ निश्चय बुद्धि है और स्वयं एवर रेडी है। जैसे यज्ञ रचने के निमित्त ब्रह्मा बाप के साथ ब्राह्मण बने, तो यज्ञ से प्रज्वलित हुई यह जो विनाश ज्वाला है, इसके लिए भी जब तक ज्वाला रूप नहीं बनते तब तक यह विनाश की ज्वाला भी संपूर्ण ज्वाला रूप नहीं लेती है। यह भड़कती है और फिर शीतल हो जाती है। कारण, क्योंकि ज्वाला मूर्त और प्रेरक आधार मूर्त आत्माएं अभी स्वयं ही सदा ज्वाला रूप नहीं बनी है। और ज्वाला रूप बनने का आधार 10 बातें, ये वही मुरली है जिससे संडे की अव्यक्त वाणी का लास्ट पार्ट लिया गया था। सबसे पहले तो बाबा ने बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं। यहाँ पर पूछा कि आधार क्या है आगे में, तो किसी ने कहा उपराम बनना, बाबा ने कहा वो तो रिजल्ट है। फिर किसी ने कहा न्यारा बनना, फिर पूछा पर न्यारा भी किस आधार से, तो सबसे पहली बात है ज्वालामुखी बनने के लिए मंजू बहन कौन सी संडे की मुरली क्या लग जानी चाहिए तुमको, धुन। दूसरा पावरफुल ब्रेक, तीसरा पावर टू टर्न, मोड़ने की शक्ति, फिर समेटने की शक्ति, पावर टू पैकअप, उसके बाद में अटेंशन, उसके बाद में प्यूरिटी, उसके बाद में स्पीड, उसके बाद में लिंक, उसके बाद में डिटैचमेंट और लास्ट कॉन्सेंट्रेशन। तो ये सब विधि है क्या बनने की, ज्वालामुखी योगी बनने की। आज ये जो मुरली है 16 जनवरी नया साल 75 की, अभी जो संडे मुरली चली थी वो कहाँ कब की थी, 83 की थी, उसमें से ये लिया हुआ था बीच का पैराग्राफ। इस मुरली में बाबा पूछ रहे दो प्रकार के बच्चों को बाबा देखते, एक तो वो है जो बाप के नैनों में समाये हुए और दूसरे जो नैनों के सामने हैं। जो नैनों में समाये हुए हैं उनकी क्वालिफिकेशन में ये सारी बातें हैं जो अभी पढ़ी। जो कि नैनों में समाये हुए हैं वो बच्चे कैसे हैं, बाप के आधार मूर्त बच्चे है। आधार मूर्त अर्थात आधार, उद्धार करना नहीं, उद्धार अलग, आधार क्या, आधार अर्थात, आधार अर्थात सपोर्ट, आधार अर्थात बेस, आधार देना अर्थात क्या करना, किसी को सपोर्ट करना, किसी को सहयोग देना, आधार देना अर्थात फाउंडेशन।
आधार मूर्त के दृढ़ संकल्प में कभी कभी हलचल के संकल्प रहते हैं या विनाश अर्थ निमित्त बनी हुई आत्माओं में कभी जोश कभी होश आ जाता है? क्या रहता है बाबा पूछ रहे हैं। आधार मूर्त आत्माओं का संकल्प ही विनाश अर्थ निमित्त बनी आत्माओं की प्रेरणा का आधार है। तो आज का संकल्प क्या है? आज का स्वमान, मैं कौन सी आत्मा हूं? आधार मूर्त अर्थात इमेज ऑफ सपोर्ट। एक है इमेज ऑफ अपलिफ्टमेंट अर्थात उद्धार मूर्त, अपलिफ्ट करना किसी को, उठाना, उद्धार करना किसी का, मुक्त करना, लिबरेट करना। एक है आधार मूर्त अर्थात इमेज ऑफ सपोर्ट, मैं आधार मूर्त आत्मा हूं। तो आज का ये सम्मान है। ज्वालामुखी योग की बातें यहाँ पर है, पर वो हम संडे चर्चा कर चुके हैं, इसलिए फिर से उन बातों को चर्चा नहीं करते हुए, मैं कौन सी आत्मा हूँ? आधार मूर्त, आधार अर्थात सपोर्ट देने वाली, आधार अर्थात मदद करने वाली, आधार अर्थात सहायता देने वाली। कौन कौन सी आधार है तो उसकी हम चर्चा करेंगे। ऐसे 7 प्रकार के सपोर्ट। ये जो सपोर्ट, ये संसार के टर्म्स है, संसार के शब्द है सारे। सबसे पहला सपोर्ट है फिजिकल सपोर्ट। वैसे आधार मूर्त में फिजिकल शब्द नहीं आता है, वो अत्यंतिक आध्यात्मिक रूप से कहा हुआ है तुम्हें आधार मूर्त बनना है। तो सबसे पहला सपोर्ट जो हमको आत्माओं को देना है वो कौन सा देना है? फिजिकल सपोर्ट। फिजिकल सपोर्ट अर्थात शारीरिक आधार, शारीरिक अवलंबन। यदि कोई बीमार है तो उनकी सेवा शुश्रूषा करना, उसकी सेवा करना, शारीरिक मदद, शारीरिक आधार। यदि कोई चल नहीं सकता है तो उसको चलाने में मदद करना। कोई अभी अभी बहुत बड़ी बीमारी से रिकवर कर रहा है तो उसको हम देखते हैं वार्ड्स में, रिलेटिव्स चलाने की कोशिश करते हैं, फिजियोथेरेपी वाले चलाते हैं, आईसीयू में चलाते हैं। तो हर वो मदद, हर वो सपोर्ट जो फिजिकल तल पर किया जाए, उसमें यदि कोई कमजोर है तो उसकी शारीरिक मदद करना, यदि कोई बीमार है तो उसकी मदद करना, यदि कोई वृद्ध है, बूढ़ा है, तो ऐसे बुजुर्ग लोग जो है, भाई बहने, उनकी मदद करना, उनकी सेवा करना, उनको सपोर्ट करना। वृद्ध लोगों को कैसे सपोर्ट करेंगे? चिमन भाई जी, आप क्या क्या करते हो? वो सारा इसका उत्तर है। उसके साथ बैठना। और क्या करते हो आप? क्या करने जाते हो? दुलारी माता के पास मुरली सुनाने जाते हैं दुलारी माता को रोज। और हिम्मत दिलाना, और नहीं वो अलग, शारीरिक, शारीरिक। हम पहला 7 प्रकार के सपोर्ट में पहला सपोर्ट है फिजिकल सपोर्ट। तो खान पान, उसको खाना पीना, और डॉक्टर के पास लेके जाने का व्हील चेयर में, क्योंकि कभी कभी जाना होता है उसको, पर कोई व्हील चेयर पुश करने वाला, चलाने वाला कोई नहीं मिलता है। तो वो 2 दिन तक वैसे ही रहती कि कोई आ जाए, या कोई सेवाधारी होता है वो छुट्टी पे चला गया तो कोई लेके जाने वाला नहीं होता है। परंतु एक बात इसमें है, वो जैसे एक बार भी सुनाया था, मॉरल साइंस, मॉरल टीचिंग की क्लासेस होती है ना स्कूल्स में, जिसमें नैतिक शिक्षाएं दी जाती है। तो एक बार एक क्रिश्चियन पादरी ने, क्रिश्चियन टीचर ने अपने स्टूडेंट्स को बताया कि तुम्हें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तो अब 1 हफ्ते का मैं तुमको टाइम देता हूँ, 1 हफ्ते के बाद मुझे बताना तुमने किस किस की क्या क्या मदद की संसार में, फिलेंट्रोफी या फिलेंट्रोफी तो नहीं, किसी भी तरह की, बच्चों को कहता है तुमको मदद करनी है। तो 1 हफ्ते के बाद वो पूछता है कि किसने, बताओ क्या क्या तुम लोगों ने मदद की, सहायता की, कोऑपरेशन किया। तो एक बच्चा हाथ खड़ा करता है, वो कहता है मैंने एक बूढ़ी औरत थी, एक बूढ़ी या एक माता जी, उसको सड़क के पार रास्ता उसको पार करवाया।
तो उसको बहुत ही उसकी महिमा करते हैं टीचर की, वाह तुमने तो बहुत अच्छा काम किया। और किसी ने कुछ किया, दूसरा हाथ करता है तुमने क्या किया, वो कहता है मैं भी एक बूढ़ी औरत खड़ी थी तो उसको मैंने रास्ता पार कराया, तो ये बोलते तुमने भी बहुत अच्छी बात कर दी। फिर और किसी ने कुछ किया, तीसरा कहता है एक बूढ़ी औरत खड़ी खड़ी थी बुढ़िया, मैंने उसको रास्ता पार कराया, तो टीचर को अब थोड़ा आश्चर्य होता है तीनों ने एक ही काम कैसा कराया। तो फिर वो कहता है ये तीनों तुमने एक ही काम कैसा किया, वो कहता है वो औरत तो एक ही थी और हमने तीनों ने ही उसको रास्ता पार कराया, और सबसे बड़ी बात तो है वो पार तो करना ही नहीं चाहती थी, हमने जबरदस्ती उसको पकड़कर पार कराया। क्योंकि आपने कहा था कि किसी बुजुर्ग, कोई बूढ़ा, कोई गरीब, कोई असहाय, निरीह, उसकी मदद करनी है, तो हमने तीनों ने मिलके उसकी मदद की, परंतु वो तो पार करना ही नहीं चाहती थी। आज्ञाकारी। तो ऐसी मदद नहीं करनी है, ऐसा आधार नहीं बनना है किसी का। तो पहला सपोर्ट है फिजिकल सपोर्ट, दूसरा है मॉरल सपोर्ट। मॉरल सपोर्ट में वास्तव में हम कुछ कर नहीं सकते उस आत्मा के लिए, हम कुछ कर नहीं रहे हैं, परंतु हमारा प्रेजेंस मात्र, हम खाली खड़े हैं। एक्चुअली हम चाहते हुए भी कुछ कर नहीं सकते खास, क्योंकि शायद उसके पास दिवाला निकल गया, बैंकरप्ट हो गया, बिल्कुल भी पैसे नहीं है, या एग्जाम में फेल ही हो गया है कोई बच्चा, अब वहां हम क्या करेंगे, खाली हम खड़े हैं मॉरल सपोर्ट के लिए। किसी को देखने जा रहे हैं, कोई बीमार है, हम क्या कर रहे हैं देख के जाकर, कुछ खास उससे बात भी नहीं कर रहे, खाली वो हमको देख लेता है तो उसको थोड़ा सा आधार लगता है, सांत्वना भी नहीं कुछ खास कर रहे, एक दो शब्द बोल भी दिए चलो, परंतु इसको कहा जाता है मॉरल सपोर्ट। यहां सबसे बड़ा उदाहरण है स्पोर्ट्स का। स्पोर्ट्स में क्या होता है कि कोई खिलाड़ी खेल रहा है तो ऑडियंस जितना उसको एनकरेज करती है, यस 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 कम ऑन कम ऑन, तो उसको वो मॉरल सपोर्ट आ जाता है। वो क्या कर रहे हैं, वो ऑडियंस थोड़ी ना आके मैदान में आके खेलने वाली है, या उसकी कोई मदद कर रही है, उसको ना तो ट्रेनिंग दे रही है, ना तो शिक्षा दे रही है, ना तो काउंसिलिंग कर रही है, कुछ भी नहीं कर रही है, तालियां बजा रही है, बहुत खास उसने कुछ किया नहीं है, बस तालियां इतनी ज्यादा बजा रहे हैं, वी वांट सिक्सर। तो जोश उसको नशा चढ़ा रही है, हाँ तुम कर सकते हो, करो करो करो। जैसे यहाँ पर मैराथन मैच होती है तो जस्ट अभी लाइन तक पहुंचने ही वाले हैं, तो तीन चार लोग दिखाई दे रहे हैं, तो जो जिसका सपोर्टर होगा ना उसका नाम लेके भागो भागो भागो, उसको सपोर्ट करते, मॉरल सपोर्ट करते, मॉरल सपोर्ट करते हैं, उसको वो चढ़ाते हैं। और हमने ये भी देखा जब यहाँ पे मैराथन मैच खेली जा रही थी, तो नकी के पास एक मतलब यहाँ पर उसके आगे तीन चार लोग हैं, परंतु वो कुछ कुछ सपोर्ट करने वाले बीच से घुस जाते थे, गाड़ी से गाड़ी लेकर उसको कहते थे भाग तुम्हारे आगे कोई भी नहीं है, जाओ 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 जल्दी जाओ, जबकि दो लोग बहुत आगे हैं, तो उसको पता भी नहीं, दिख भी नहीं रहे, उसको एनकरेज करने के लिए। कोई कोई इतने थक जाते हैं कि पैदल चलने लगते हैं, और पैदल चलने लगते हैं तो उसको मॉरल सपोर्ट देते हैं, जल्दी जल्दी थोड़ा सा ही बाकी है, क्योंकि तो मॉरल सपोर्ट अर्थात हम कुछ कर नहीं रहे, खाला हमारी खाली हमारा प्रेजेंस। जैसे हम ये भी देखा है कभी कभी बहुत सीरियस पेशेंट होता है, यहां से वहां आ रहा है, यहां से कहीं और लेके जा रहे हैं, तो कोई कोई उनके जान पहचान वाले एम्बुलेंस में घुस जाते हैं, अब जगह नहीं है, वो कहते खाली हम खड़े रहेंगे बस, मतलब बैठेंगे करेंगे कुछ नहीं, मॉरल सपोर्ट, रिलेटिव को लगता है ये भी साथ में आ रहा है, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, साथ साथ में चल रहा है, कोई सीरियस है अंदर तो रिलेटिव्स आ जाते, बैठे रहते, करते कुछ नहीं, खाली बैठते हैं, रिलेटिव्स तो है उनके साथ में, ये दूसरा तीसरा व्यक्ति आके खाली बैठता है, तो उसको थोड़ा सा मॉरल सपोर्ट। तो हमें भी क्या करना है, सबसे पहला तो हम ये सारी बातें कर रहे हैं आधार मूर्त की, मुझे आधार मूर्त बनना है इस संसार के लिए, तो उसमें स्थूल से चालू करते करते फिर धीरे धीरे सूक्ष्म की तरफ आएंगे, पी एम। फिर तीसरा लाइफ सपोर्ट,
लाइफ सपोर्ट, ये मेडिकल का टर्म है और उसमें भी क्रिटिकल केयर का, आईसीयू का, बेसिक लाइफ सपोर्ट भी कहा जाता है या खाली लाइफ सपोर्ट। ये उन लोगों के लिए दिया जाता है जो बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, ये उन लोगों के लिए दिया जाता है जो बहुत ज्यादा सीरियस है, ये उन लोगों के लिए है जिनको जिनका बस अभी प्राण निकल रहे हैं और उनको लास्ट अटेम्प्ट बचाने के लिए किया जाता है। इसमें बहुत सारी बातें आती है। एक तो होता है सीपीआर, सीपीआर अर्थात जहां आपने देखा होगा वो पंप करते हैं उसको, चेस्ट कॉम्प्रेशन दिया जाता है, कार्डियोपल्मोनरी सपोर्ट दिया जाता है। दूसरा इसमें है मैकेनिकल वेंटिलेटर, मैकेनिकल वेंटिलेटर पर डाला जाता है पेशेंट को, उसको अर्थात उसको लाइफ सपोर्ट, एडवांस लाइफ सपोर्ट या बेसिक लाइफ सपोर्ट जगह पर कहीं पर भी फील्ड पर किया जाता है, और फिर आईसीयू में लेके आते तो एडवांस लाइफ सपोर्ट होता है, तो वो भी एक सपोर्ट है। मैकेनिकल वेंटिलेटर या पेसमेकर डाला जाता है कभी कभी, कभी कभी डिफिब्रिलेटर, एईडी, तो डिफिब्रिलेट करते हैं पेशेंट को, कभी कभी डायलिसिस, वो भी एक लाइफ सपोर्ट है। तो ये क्रिटिकली इल पेशेंट जो होते उनको दिया जाता है लाइफ सपोर्ट। यहां स्पिरिचुअलिटी में कभी कभी एकदम क्रिटिकली इल हो जाता है कोई पेशेंट, एकदम ही एक्यूट डिप्रेशन में चला जाता है, डिसहार्टन, डिप्रेशन, या कोई एकदम से संकट आ जाता है, सारा ज्ञान योग तो एकदम एक सेकंड में गया, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ अपमान ही कर दिया, एकदम ही डिप्रेशन में चले जाते, किसी ने कुछ ऐसा बोल दिया, ऐसा बोल दिया कि बस सीधा ही डिप्रेशन। हाँ, ज्ञान मतलब अभी बस जाने की ही तैयारी है। ऐसी अवस्था कभी कभी आ जाती है, वो इतना मतलब जो ज्ञान भरा था अब तक, रोज मुरलिया सुनना, अमृत वेला करना, सब कुछ अच्छा चल रहा था, और अचानक कुछ ऐसा संकट आ गया कि एक्यूट इमरजेंसी आ गई, वहां पर स्पिरिचुअल वेंटिलेटर, स्पिरिचुअल लाइफ सपोर्ट की जरूरत होती है, सपोर्ट उसको देना पड़ता है बाहर से, पेशेंट खुद से सांस नहीं ले पाता है, उसको वेंटिलेटर पर सांस चलती है उसकी, पेशेंट खुद से उसका एक्यूट रिनल फेलियर, एक्यूट किडनी इंजरी हो जाती है, तो वहां डायलिसिस का सपोर्ट लगता है उसको, हार्ट हार्ट ट्रांसप्लांट, ये हार्ट सपोर्ट काम नहीं करता है ठीक से हार्ट, तो बाहर का सपोर्ट उसको देना पड़ता है, तो उसको कहा जाता है लाइफ सपोर्ट। उसमें बेसिक लाइफ सपोर्ट है, एक एडवांस लाइफ सपोर्ट है। इस स्पिरिचुअल जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में भी कभी कभी हमें भी कुछ कुछ आत्माओं को लाइफ सपोर्ट देना पड़ेगा। कैसे देंगे? एकदम डिप्रेशन में चला गया, एकदम सोच रहा है कि अभी सेंटर छोड़ दूं, अभी मुझे सेंटर पर नहीं रहना है, एकदम सोच रहा है कि अभी बस कोई दूसरा मार्ग ही नहीं है, शादी करनी चाहिए, कब तक चलेगा ये, कब तक खुद ही भोजन बनाऊं, इधर ड्यूटी से आते आते 6 बज जाते हैं, 6 बजे दोपहर का भोजन 6 बजे चल रहा है, वो भी बनाने के बाद, कोई तो चाहिए कि नहीं। कुमार सोच रहा है बैठ के कि कुछ तो करना पड़ेगा, या कुमारी सोच रही है कि ये तो अभी तो कुछ चाहिए, कोई एक चाहिए, आधार कंधा एक मिल जाए थोड़ा सा रख के आंसू विसू बहाने के लिए। हाँ, ये भी हो सकता है। हाँ, तो कोई आंसू पोछने के लिए वगैरह चाहिए थोड़ा सा, कोई हाथ रख दे थोड़ा सा, बीमार पड़ जाए तो कोई चाहिए, और कोई सोच रहा है कि पश्चाताप ही कर रहा है, इतनी सेवा की 40 साल, अभी बीमार पड़े, कोई सेवाधारी नहीं मिला, तो सोच रहे शादी विधि कर ली होती तो कितना अच्छा होता, आज बीबी बच्चे होते देख रहे होते, यहाँ तो सेवाधारी मिल नहीं रहा है, कोई तो पूछने वाला होता है, कोई देखने भी नहीं आता। बस चिमन भाई आ जाते हैं, सुबह मुरली सुना के चले जाते, पर बाकी तो कोई आता नहीं। तो ये एक्यूट इमरजेंसीज है कि जहां पर एकदम लाइफ सपोर्ट देना होता है उन आत्माओं को। कैसे देंगे? काउंसलिंग तो उनको आप क्या काउंसलिंग करेंगे, वो तो आपसे ज्यादा ज्ञान उनके पास है, 30 साल से। उनका उनको वहां ज्ञान की चर्चा नहीं है, वो काम करती है, ज्ञान उनको कहाँ सुनाएंगे हम, वो तो ज्ञान सुनाने वाले बैठे हैं, उनको थोड़ी ना ज्ञान सुनाया जा सकता है, उनको थोड़ा सा उस वातावरण से निकाल के कहीं और लेके जाना,
उनको कहीं घुमाने लेके जाना, उनको थोड़ा एंटरटेनमेंट करना, उनका थोड़ा माइंड डाइवर्ट करना और उनको अपने अनुभव शेयर करना उनके साथ। मैं तुमको सिखा सकता हूं इसलिए नहीं कि मैं तुमसे अधिक होशियार हूं, मैं तुमको सिखा इसलिए सकता हूं क्योंकि गलतियां मैंने तुमसे ज्यादा की है। ऐसा एक शायरी है, पूरे शब्द मुझे पता नहीं है, परंतु ये शायरी का भावार्थ था कि मैं तुमको इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि गलतियां मैंने तुमसे ज्यादा की है, इसलिए नहीं कि मैं तुमसे अधिक होशियार हूं, इसलिए नहीं, क्योंकि मैंने गलतियां तुमसे बहुत ज्यादा की है और मैं उन गलतियों से सीखा हूं। तुम भी अब उनसे सीखो, उस अनुभव से। मैं भी तुम्हारे जैसा ही था, मैंने भी सब यही किया था। तुम जो सोच रहे हो ना, मैं भी ऐसा ही सोच रहा था और मैंने भी यही यही किया, क्योंकि उस अवस्था में इमैच्योर स्टेज रहता है, जैसे युवा में यूथ इमोशनल हो जाते हैं, एक दूसरे की तरफ आकर्षण हो जाता है, क्रश, इन्फैचुएशन, प्यार जिसको वो कहते हैं, घर बार अपने माँ बाप को छोड़ने को तैयार हो जाते हैं, जिंदगी भी। अच्छा फ्रेश है। तो माँ बाप पूरे शत्रु दिखाई पड़ने लगते हैं और वो जो अभी अभी आया है, आई है, आया है जो भी अभी अभी आया है, वो लगता है बस वही सब कुछ है और उसके लिए सारी दुनिया शत्रु हो जाती है और फिर बड़ी बड़ी स्टेजेस, बड़ी बड़ी स्टेप्स ले लेते हैं। तो ये इमरजेंसी से, ये तो चलो संसार, ये संसार का है कि इधर का है? संसार का है तो यहाँ पर भी हो सकता है, क्योंकि चाहे कुमार चाहे कुमारी, मनुष्य मन तो वे एक ही है, चाहे संसारिक चाहे इधर। वो तो अलग चीज है कि यहाँ पर भगवान आकर ज्ञान देते, बा कमाल है। आज सुबह की मुरली कमाल है बाप की, ज्ञान योग और बल से क्या करता है, तुम्हें क्या बना देता है, तुम्हें पवित्र बना देता है, तुम इतने ब्यूटीफुल बन जाते हो, वहां बर्तन इतनी आसानी से टूटता नहीं है, यहाँ वहां आयु लंबी होती है, वहां तुम्हारे पास ब्यूटी होती है, वहां तुम्हारे पास हेल्थ होती है, तो कमाल है ऐसे बाप की। उधर वो जो है संसार में, जो अच्छे अच्छे मार्बल की मूर्तियां बनाते हैं और अच्छे चित्र बनाते हैं, उनको क्या दिया जाता है, वहां इनाम दिया जाता है। तुम बाप को क्या इनाम दोगे, इन एडवांस बलिहारी जाते हो तुम, ये तुम बाप को इनाम देते हो, ये इनाम तुम बाप को दो तो यहां पर जब ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन दिखाई दे तो फिर वहां सपोर्ट करने की आवश्यकता है। सपोर्ट वहां किस तरह का होगा, ये लाइफ सपोर्ट, ये वेंटिलेटर, ये डायलिसिस, यहां पर उसमें ही इंक्लूड होगा एक मॉरल सपोर्ट। वहां जाना, उसके पास, उसको सबसे पहले टाइम देना, वहां पर टाइम देना, बिलोंगिंगनेस की फीलिंग देना कि हम हैं, हम कुछ कर नहीं रहे बट वे हैं बस, क्योंकि तुमको भी सुनने वाला कुछ है, तुम सुनाओ, सुनाते जाओ। उसको भी पता है ये जो सामने वाला है ना, कुछ खास कर नहीं सकता है, पर वो उसको इतना लगेगा कि ये सुनाने से उसको हल्कापन लगेगा, बिलोंगिंगनेस फीलिंग, अपनेपन की महसूसता होगी कि मुझे भी तो कोई सुनने वाला है, दुनिया में सुनने वाले ही तो नहीं है, दुखियारे जो है, दुखियारे हैं संसार में, दुखी दुख है यहाँ पर, दुखों की महफिल लगी हुई है इस पुरानी दुनिया में। क्या है मंजू बहन आज की मुरली से, ठिक्कर ठोबर है, ठिक्कर ठोबर। इसलिए तुम एक बाप को और अपने घर को याद, अपने राज्य को याद करो, तो नई दुनिया और बाप को याद करो, दुनिया में ठिक्कर ठोबर है, तो ये ऐसी दुनिया है, यहाँ तो ये सारी चीजें होती रहेगी, दुखी होते रहेगा कोई ना कोई, पर हमको उनको सपोर्ट देना, अर्थात उनका सुनना, उनको बिलोंगिंगनेस की फीलिंग देना, उनको कुछ चाहिए क्या वो पूछना, उनका उनके पास जाके बैठना, बस अपने अनुभव उनके साथ शेयर करना, दूसरों के अनुभव उनके साथ शेयर करना, बाबा की कोई ऐसी पॉइंट जो उससे संबंधित है, उससे रिलेटेड है, जो उनको मदद करे, उनको बोलना कि आज ही मैं अभी अभी बाबा की एक पॉइंट पढ़ रहा था, उसमें ये आया है, चाहे आया ना आया हो, पर उसको बताना ऐसा कि अभी अभी मैं एक चीज ऐसी पढ़ रहा था जिसमें बाबा ने कहा है कि तुम अगर हिम्मत नहीं हारनी है तुमको, चाहे कुछ भी हो जाए हाँ मुझे अभी अभी आज सुबह ही अमृत वेला, पर झूठ बोलेंगे हाँ
हमने कहीं पढ़ा है कि ऐसे ऐसे करना चाहिए। तो ये है लाइफ सपोर्ट देना। लाइफ सपोर्ट आप सोच सकते हो, इमरजेंसी सिचुएशंस में लाइफ सपोर्ट देना अर्थात फोन, फोन कॉल। एक आत्मा का मुझे फोन आ रहा था, तो इतना ओपीडी चालू है और वो फोन आ रहा है अर्जेंट अर्जेंट अर्जेंट। मैंने कहा अर्जेंट क्या होता है, अर्जेंट कुछ नहीं होता है, मैंने तो ऐसे सोचा है अर्जेंट, पर वो वास्तव में अर्जेंसी थी और वो सोच नहीं सकते आप क्या अर्जेंसी होगी, मतलब बहुत सीरियस कंडीशन थी कि उसमें मतलब इंटरवीन करना ही चाहिए था किसी को, ऐसी कंडीशन थी वो। बता नहीं सकते अब क्या करें, परंतु ये एक रियल इमरजेंसी थी वो। तो लाइफ सपोर्ट करना उस समय, सुनना। हाँ, उन्होंने जो जैसे उसकी ही महानता की उसको स्मृति दिला। अभी डिप्रेशन के संकल्प आ रहे तो उनको याद दिला, अरे तुमने पद यात्रा की थी वो कन्याकुमारी से तो लेकर तक दिल्ली तक तुम ही तो चले थे 80s में 90s में, वो तो साइकिल रैली तुमने ही की थी, वो सारा जो कितनी बड़ी बड़ी सेवाएं तुमने की है उसको याद दिला। क्योंकि आत्मा बीमारी के समय, दुख के समय, उदासी में अपने महानता को भूल जाती है, उसने जो जो त्याग किए अपने त्याग को ही भूल जाती है। आपन तेज आप सवारो, वो जामवंत कैसे हनुमान को याद दिलाता है, वो क्या हनुमान में शक्ति थोड़ी मरता है, वो याद दिलाता है उसको, अरे तुम ये हो, उड़ सकते हो। तो लाइफ सपोर्ट, फिर उसके बाद में नेक्स्ट है पीयर सपोर्ट। पीयर वो वाला पीयर नहीं, पीयर, पीयर अर्थात फ्रेंड, पीयर अर्थात दोस्त, पीयर अर्थात कंपेनियन। ये मैं खाली संसार के शब्द ले रहा हूं, संसार में ये सारे शब्द बहुत फेमस है। पीयर सपोर्ट कहा जाता है, पीयर सपोर्ट अर्थात मित्र से सपोर्ट, सेम एज ग्रुप वाले जो है उनसे सपोर्ट। मतलब वो नहीं कि जो आपके बड़े हैं, वो नहीं जो आपके जूनियर है, जो दोस्त है, जैसे डॉक्टर है तो डॉक्टर से सपोर्ट, इंजीनियर है तो इंजीनियर, सेम प्रोफेशन, हम जीन्स के द्वारा सपोर्ट। इसको अपनी भाषा में, बाबा की भाषा में हम जीन्स का सपोर्ट ले लो, चलो। तो पीयर सपोर्ट, तो पीयर सपोर्ट में क्या क्या किया जाता है, यहां पर होती है काउंसिलिंग, बहुत सारी चीजें ओवरलैप करेगी, काउंसिलिंग होती है यहां पर, आप उनकी आर्थिक मदद कर सकते हो, फाइनेंशियल सपोर्ट, काउंसिलिंग, इमोशनल सपोर्ट कर सकते हो उनको, परंतु ये होती है किसके द्वारा, दोस्तों के द्वारा। ये इसमें पेरेंट्स नहीं सपोर्ट कर सकते, ना ही आपके जूनियर, जैसे कोई बॉस है तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है तो दूसरा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट उसको सपोर्ट जब करता है किसी भी तरह से, उसको पीयर सपोर्ट कहा जाता है। ये वेल नोन टर्म्स है सोशियोलॉजी में और साइकोलॉजी में, पीयर सपोर्ट। तो कई बार लोगों को पीयर सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, जो आपके साथी है, मतलब आपके, आप उसको अंडरस्टैंड ज्यादा कर सकते हो, क्योंकि मेरा जो जूनियर है वो मुझे उस रीति से नहीं समझ सकेगा, क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि मेरे अंडर अगर 10 लोग है तो मेरा जूनियर मेरा सपोर्ट नहीं बन सकता है, मेरा कोई दूसरा साथी मेरा सपोर्ट बन सकता है, या मेरा जो बॉस है वो बॉस मुझे पीयर सपोर्ट नहीं कर सकता है, वो मेरा साथी ही चाहिए। तो ऐसे कभी कभी करना पड़ेगा कि पीयर सपोर्ट करना पड़ेगा, जो फ्रेंड्स है, जैसे भाई है तो भाई को सपोर्ट करेगा, जैसे कुमार है तो कुमार को सपोर्ट, जैसे कुमारी है तो कुमारी को सपोर्ट। यहां ये नहीं हो सकता है कि कुमार कुमारी को सपोर्ट करे, क्योंकि कुमारी की जो प्रॉब्लम है या बहन की जो प्रॉब्लम है वो भाई इतना शायद नहीं समझ पाएगा, तो एक कुमार कुमार की प्रॉब्लम ज्यादा अच्छे से समझ सकता है, एक कुमारी कुमारी की प्रॉब्लम ज्यादा अच्छे से समझ सकता है। इसको कहा जाता है पीयर सपोर्ट, तो ये सपोर्ट देना है। अगला है कस्टमर सपोर्ट। कस्टमर सपोर्ट, इसको ये भी कहा जाता है टेक्निकल सपोर्ट। टेक्निकल सपोर्ट, इसमें क्या क्या करते हैं,
वो जो कस्टमर आपने अगर कंप्यूटर खरीदा या फ्रिज खरीदा या कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीदा, तो एक कस्टमर सपोर्ट होता है या टेक्निकल सपोर्ट होता है। वो आपको क्या क्या करता है, इंस्टॉलेशन की टेक्निक बताएगा, इंस्टॉल कैसे करना है उसको, उसमें ट्रबल शूटिंग क्या क्या होता है, तो क्या किया ट्रबल शूटिंग कैसे करना, उसमें फिर उसको मैनेजमेंट कैसे करना, उसका मेंटेनेंस कैसे करना, उसको अपग्रेड कैसे करना, ये सारी बातें किसमें बताई जाती है, टेक्निकल सपोर्ट या कस्टमर सपोर्ट में, कस्टमर सर्विसेज, कस्टमर केयर सर्विसेज। पर उसका मेन जो टर्म है वो है कस्टमर सपोर्ट या उसके अंदर टेक्निकल सपोर्ट। अभी इसमें कैसे कैसे किया जाता है, इट इज बाय फोन कॉल्स, एक टोल फ्री नंबर होता है, एक होता है ईमेल, एक होता है ऑन साइट सपोर्ट, वहां आते हैं वो, आपका कंप्यूटर खराब हो गया ना फोन करो तो वो आएंगे। एक होता है रिमोट, एक वो भी एक टेक्निक है उसमें, रिमोट सपोर्ट। एक होता है सोशल मीडिया का सपोर्ट, जैसे सोशल, इसमें वो सारी चीजें इंक्लूड होती है, सोशल मीडिया भी इसमें इंक्लूड किया गया है। सोशल मीडिया अर्थात कि आप कोई कार्य कर रहे हो तो सोशल मीडिया से आपको सपोर्ट मिलेगा, मतलब सारे लोग आपको मदद करेंगे, मतलब खाली आपको एनकरेज करेंगे कि बस वी आर विथ यू। कभी कभी होता है सोशल मीडिया के द्वारा ग्लानी होती है, ट्रॉल ट्रॉल करते हैं उसको, बहुत जबरदस्त तो उसका ट्रॉल करते हैं, मतलब विरोध करते हैं उसका। सोशल मीडिया में जो अपोजिशन होता है, विरोध होता है, उसको ट्रॉलिंग कहते हैं। जैसे कोई नेता को ट्रॉल्ड बैडली, मतलब उसने एक भाषण किया तो हेट स्पीच था वो, तो उसको इतना जबरदस्त क्रिटिसाइज किया लोगों ने, ये सब चलते रहता है संसार में। तो दिस इज नोन एज कस्टमर सपोर्ट। हम क्या करेंगे, कस्टमर सपोर्ट अर्थात पुरुषार्थ में यदि कोई आत्मा विघ्न आ गया उसके जीवन में, हम उसको चाहे फोन से या ईमेल से या सोशल मीडिया के द्वारा उसको सपोर्ट करेंगे, या ऑन साइट या तो रिमोट, या तो उसके पास जाओ, उसके घर में जाओ। जैसे कोई बहन है, सेंटर पर थी, अभी छोड़ दिया, अभी घर पे है। जैसे एक बहन हमको पता है, वो कहती है बस शिव बाबा मेरे लिए पत्थर हो गया, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी उसके पास। उसके घर में गए तो दादी प्रकाशमणि के कंधों में हाथ डालकर उसका फोटो है, परंतु ज्ञान छोड़ दिया है, समर्पण का चित्र लगा हुआ है, परंतु ज्ञान छोड़ के अभी कितने सालों से घर पे है, एमपीएससी और आईएएस और वो सारी एग्जाम दे रहे हैं कि बिल्कुल नहीं जाऊंगी, अब शिव बाबा मर चुका है मेरे लिए, नाम नहीं लेना बिल्कुल। हम गए थे उसको मिलने, ओम शांति भवन की स्टेज पर, यहाँ पर ड्रामा किया है, प्ले किए हैं 80s में, अभी शायद संसार में चले गए। कई साल तो प्रिपरेशन चालू था कि अपने पैरों पर खड़े रहना है, अभी किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए, अपने पैरों पर खड़े रहना है, जॉब किया, ये किया, अभी शायद संसार में है। तो यहाँ पे टेक्निकल सपोर्ट अर्थात पुरुषार्थ की जो पॉइंट है उसको कैसे अपने जीवन में अप्लाई करें, ट्रबल शूटिंग कैसे करना है। ट्रबल आ गया, चलो हमने बता दिया, अमृतवेला करना ही है, करना ही है, करना ही है, बहुत जोर शोर से भाषण कर दिया, अरे पर कैसे करना है बेचारा कर ही नहीं पा रहा है, हो ही नहीं रहा है उसको ट्रबल शूटिंग, उसकी बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, उसको रात में सोने का टाइम ही 12 बजे का है, आप उसको बता रहे हो कि बिल्कुल उठना ही है, बिल्कुल नियमित उठना है, एक दिन भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। वो धुआंधार भाषण कर दिया एकदम, तो वो भी पूरा एकदम प्रभावित हो गया, परंतु हाँ दादियों के अनुभव, फोन पे अनुभव सुनाओ, ईमेल से अनुभव भेजो, ईमेल से कुछ प्रेरणादायक चीजें भेज दो, शायद वो उसको मदद कर जाए, और जरूरत पड़ी तो उसके घर पे जाओ, उसके पास जाओ, या उसको यहां बुला लो। कई लोग ऐसे होते हैं इंतजार में है कि हमको बुलाए कोई तो हम जाएंगे मधुबन से, तो वो दूसरों को बता भी सकते हैं, भाई हमको मधुबन से फोन आया, हम तो जाएंगे, वैसे जाने का कोई प्लान नहीं था, पर ये भाई ने विशेष फोन करके बुलाया है। कोई मेल आ जाए तो बहुत अच्छा लगता है, इनविटेशन के द्वारा तो बहुत अच्छा लगता है ना। तो इस तरह से ये कहा जाता है इसको टेक्निकल सपोर्ट देना उसको, उसको फिर इंस्टॉलेशन कैसे करना, मेंटेनेंस कैसे करना, और पुरुषार्थ को अपग्रेड कैसे करना है उसको भी टेक्निक्स बताना ना, ये अपग्रेड, नहीं तो वही अपना सॉफ्टवेयर लगाई, वही पुराना एंड्रॉइड यूज कर रहा है, उसको अपग्रेड किया ही नहीं उसने, सॉफ्टवेयर ही अपग्रेड नहीं किया, और कहता है ये प्रॉब्लम हो रहा है, वो प्रॉब्लम हो रहा है, कभी हैंग हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, अरे भाई अपग्रेड करो, अप टू डेट, ऑटो अप टू डेट,
जो भी है उसको सिखाओ टेक्निक्स ऑफ अपग्रेडेशन ऑफ पुरुषार्थ, पुरुषार्थ को कैसे अपग्रेड करें। तो ये है टेक्निकल या कस्टमर सपोर्ट। हाँ वैसे उसको टोली भिजवानी, खुद ही लेके चले जाओ उसको बोलो देखो आज ये विशेष बना है दिलखुश वाली जो भी है। फिर उसके बाद में है सोशल सपोर्ट। अब ये सोशल सपोर्ट जो दिया जाता है सोशल ग्रुप्स के द्वारा दिया जाता है। ये सोशल ग्रुप एक व्यक्ति हो सकता है, दो व्यक्ति हो सकते हैं, कोई कम्युनिटी हो सकता है, रोटरी क्लब हो सकता है, कोई क्लब हो सकता है। ये सोशल सपोर्ट में तीन चार चीजें हैं। एक तो फिनेंशियल अर्थात आर्थिक मदद, जैसे कोई बहुत गरीब है। अच्छा एक प्रश्न आप सबसे है, क्या ब्राह्मणों ने दूसरे ब्राह्मणों को आर्थिक सपोर्ट करना चाहिए? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, जरूरी है। वो अलग चीज है कि आपने अगर किसी को सपोर्ट किया और उसने जाके कुछ संसार के व्यक्ति, बाबा ने कहा लेन देन नहीं करो पैसों की, परंतु यहां लेन सपोर्ट इन द सेंस इस तरह से करना है कि कोई ब्राह्मण है और जिसको पैसे चाहिए आप दो उसको, परंतु एक चीज याद रखना वो वापस दे इसकी इच्छा बन, छोड़ दो वो दे ना दे आप छोड़ दो, हमारा हिसाब किताब पूरा हो गया, हमने दे दिया और भूल जाओ। हाँ मतलब ये कि अगर हमने किसी को 5,000 रुपए दे दिए ठीक है और वो भूल ही गया देना और रोज सेंटर पर हमारे सामने योग में आके बैठ जाता है, तो हम शिव बाबा को योग लगा रहे थे और सामने 5,000 5,000, अब अच्छा भी नहीं लगता है कि भाई तुम पैसे दो हमारे, पर वो इच्छा है कि वो कभी तो बोले कि भाई तुम्हारे पैसे मैं 4 दिन में देता हूँ, इतना भी बोल दे कि अभी मेरी थोड़ी तंगी चल रही है मैं 2 महीने के बाद देता हूँ, पर वो भूल ही गया है उसको याद ही नहीं पैसों की, हम सब नाम ही नहीं ले रहे पैसों का, वैसे ले तो लिए थे पर नाम ही नहीं लेना, करें क्या हम बोलेंगे तो कैसे लगता है। ऐसा भी नहीं कि हमारे पास पैसों की कमी है, पर मेरे पैसे लिए ना वापस तो करने चाहिए बोलने की बीमारी हाँ वो है, और डॉक्टर के पास पेशेंट जाता है, पेशेंट को डॉक्टर पूछता है तुमको कौन सी बीमारी है, वो कहता है भूलने की बीमारी, कोई इलाज करो, बोले पहले मेरे पेमेंट ये कर दो, फीस दे दो बाद में इलाज करूंगा इलाज कर दूंगा भूल जाओगे तो तो अगर देना भी है तो ऐसे दे दो कि बाद में फिर वो दे या ना दे इसकी कोई अपेक्षा नहीं है, क्योंकि अगर ये अपेक्षा है कि वो वापस दे तो फिर बेचैनी रहेगी, क्योंकि वो भूल गया तो, और फिर उसके लिए अभी योग करो कि बाबा इसको याद दिलाओ बाबा इसको याद दिलाओ कुछ तो करो, क्योंकि बोलना हमारे योगी स्टेटस से नीचे आ रहे हैं हम, वो हम नहीं चाहते अपने सामान से नीचे हम मांगे कैसे, भले हमारे ही पैसे पर हम मांगे कैसे, तो देना है तो दे दो, या तो सबसे बेस्ट है ना बोल दो अगर नहीं है कम है, डोंट से यस व्हेन यू वांट टू से नो, इंग्लिश में किताब है डोंट से यस व्हेन यू वांट टू से, जब तुमको ना बोलना है तब यस नहीं बोलो, तब हाँ जी नहीं करते रहना। इस पर भी हमने एक क्लास कराई थी यहाँ पर हुई थी ना नाजी पर, ब्राह्मणों को नाजी कब करनी है, नाजी कब कब करना है। तो सोशल सपोर्ट में दो तीन बातें आती है, एक होता है आर्थिक, एक होता है इमोशनल सपोर्ट, एक होता है कंपेनियननेस जिसको कहा है, या बिलोंगिंगनेस, पूरा ग्रुप एक सपोर्ट करे सोशल ग्रुप, उसमें व्यक्ति एक हो सकता है, घर के वाले लोग हो सकते, बाहर वाले हो सकते, जैसे यहाँ माउंट में सपोज कोई किसी के साथ कुछ हो गया है तो हम लोग खाली जाके खड़े हैं, उनको थोड़ा सा शांत बना दे रहे, कर कुछ खास नहीं रहे, पर सोशली सोशल कॉज के लिए सपोर्ट, जैसे करप्शन है तो हम क्या कर रहे हैं, ब्रह्मा कुमारीज क्या कर रहे हैं, हम कुछ भी नहीं कर रहे, खाली उनको हाँ कर रहे हैं कि हम लोग आएंगे वहां पर, तुम ये जो कैंडल लाइटनिंग कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, कैंडल मार्च कर रहे हो, कुछ भी जो भी उनका जो रहता है उसमें हम सोशल सपोर्ट करें। तो यहां पुरुषार्थ में भी जब आत्माएं, एक कोई आत्मा गिर जाए नीचे गिर जाए तो ग्रुप के ग्रुप उसको सपोर्ट करना चाहिए, जैसे एक कुमार बीमार पड़ जाए उसको ये ना लगे कि अब मैं शादी करूं, तो उसके बाकी जो कुमार है दूसरे सब कुछ उसके लिए करे, उसको सब कुछ करे उसके लिए, टिफिन से लेके तो टूथब्रश टूथपेस्ट से लेके सब कुछ उसकी व्यवस्था करे, पैसों से लेके हॉस्पिटल बिल से लेके, उसको ऐसा लगना नहीं चाहिए उस एक कुमार को कि देखो मेरा कोई भी नहीं है, क्योंकि ये जो फीलिंग आ गई ना
मेरा कोई नहीं डिप्रेशन में लेके जाती है आत्मा को, और डिप्रेशन से फिर कोई दोस्त चाहिए, और फिर मिल अगर जाए तो बस फिर संसार, फिर गया संसार में, फिर वहां से निकलना मुश्किल है, क्योंकि वो बेसिक रूट कॉज क्या है उसको ट्रीट करना होता है। तो सोशल सपोर्ट, सोशल कॉज के लिए भी सोशल सपोर्ट, कोई बड़ा सोशल कॉज होते हैं ना, सामाजिक जिसको कहते हैं आंदोलन चल रहे, जैसे बीच में अन्ना हजारे का जो चल रहा था, उसमें हमने क्या किया, सोशल सपोर्ट किया, हाँ हम हैं साथ में आपके, ये जो है उसमें हम साथ हैं, बस। फिर है सेवेंथ, वाइब्रेशनल सपोर्ट या कहो स्पिरिचुअल सपोर्ट। अब ये वास्तव में है आधार मुहूर्त बनना, ऊपर का भी था पर इसको कहते हैं स्पिरिचुअल सपोर्ट। स्पिरिचुअल सपोर्ट अर्थात सात चीजें, ज्ञान, ज्ञान पवित्रता, सुख शांति आनंद प्रेम और शक्तियां, ये सात आत्मा के जो मूलभूत गुण हैं, ये गुण आत्माओं को देना, कैसे, वाइब्रेशन के द्वारा। आत्माओं को प्यूरिटी का सपोर्ट चाहिए, आत्माओं को प्यूरिटी का सपोर्ट देना, आत्माओं को ज्ञान का सपोर्ट चाहिए। बाबा ने कहा तुम ज्ञान परिया हो, ज्ञान मान सरोवर है, आज की मुरली में मंजूबेन, ये क्या है ज्ञान, तुम ज्ञान परिया हो, तो ये ज्ञान मान सरोवर है। हम ज्ञान में जैसे डूबे हैं, दूसरों को ज्ञान का सपोर्ट देना, जैसी पवित्रता हमने धारण की है दूसरों को प्यूरिटी का सपोर्ट देना, ये सबसे बड़ा सपोर्ट है। किसकी प्यूरिटी हिल रही है, डगमग हो रही है, मन में विचार विकार, विकार के संकल्प आ रहे, दृष्टि वृत्ति खराब हो रही है, उस समय क्या करेंगे, उसको सपोर्ट देना पड़ेगा, क्योंकि वो क्षणिक अवस्था है, परंतु वो क्षणिक अवस्था ही उसे घसीट कर नीचे ले जा सकती है, क्योंकि इन दैट मोमेंट, वो मोमेंट में गलती हो सकती है उसके द्वारा, उस मोमेंट में प्यूरिटी की उनको सपोर्ट दे देना, प्यूरिटी की सकाश दे देना, प्यूरिटी के वाइब्रेशंस दे देना, प्यूरिटी के शब्द उन्हें सुना देना, प्यूरिटी की कोई मुरली ही उसको मेल कर देना, तो अचानक उस, क्योंकि है तो वो ही ब्राह्मण आत्मा ही, पर कलयुग का प्रभाव है, इसके लिए उसके मन में विकार उत्पन्न हो रहा है, और विकार कहां से आया, कोई ना कोई तो वो प्रेरक होगा ही बाहर का, तो उसको प्यूरिटी के वाइब्रेशंस देना, शांति का सपोर्ट, अशांत है संसार में, अशांति है, प्यूरिटी का सपोर्ट, शांति का सपोर्ट, संसार में दुख ही दुख है, हैप्पीनेस का सपोर्ट, खुशी की कोई उसको बात सुना दो, कोई चीज दे दो, भेज दो, गिफ्ट कर दो, कोई सीडी चुटकुला स्पिरिचुअल जोक सुना दो, वो कोई सीडी भेज दो, कोई किताब दे दो, कोई गिफ्ट दे दो, कुछ भी कर दो, ताकि उसका वो जो गिरती हुई जो खुशी थी वो फिर से उठ जाए। तो हैप्पीनेस का सपोर्ट, फिर उसके बाद में आनंद का सपोर्ट, उसके बाद में शक्ति पावर का सपोर्ट, प्रेम का सपोर्ट, संसार में प्रेम रहित है, नफरत और घृणा से भरा हुआ है व्यक्ति, उसको प्रेम चाहिए, प्रेम की भूखी है आत्मा, और अपनी प्रेम की भूख को वो मिटाना चाहती है, परंतु उसको पता नहीं, इसके लिए काम वासना की तरफ मार्ग चला जाता है, सोचता है इस काम से प्रेम मिलेगा, परंतु प्रेम और काम अलग अलग चीजें हैं, विरोधाभासी है, जिसको वो प्रेम कह रहा है वो वास्तव में वासना है, और वासना का परिणाम दुख है, और वासना विकार है, और प्रेम तो दिव्य गुण है, उसी तरह मोह विकार है, प्रेम दिव्य गुण है, परंतु अपने मोह को ही प्रेम कहता है और दुखी होते रहता है। मां कहती है मेरा उससे प्रेम है बच्चे से, पर प्रेम नहीं उसका मोह है, इसके लिए तो दुखी है, नहीं तो प्रेम में दुख कहां से, प्रेम तो जैसे दादियों का आपस में मोह नहीं है, प्रेम है, वो है दिव्य गुण, परंतु संसारिक संसार में जो है वो तो मोह है, उसके अपने मोह को ही प्रेम कहने लगते हैं। तो उनको सपोर्ट को कौन सा देना है, प्रेम का सपोर्ट देना है। यहाँ पे लोग आते हैं, हम क्या करते हैं मधुबन निवासी, कुछ भी नहीं करते, प्रेम देते हैं उनको, वही चाहिए उनको, बाकी चीजें तो उनको फाइव स्टार होटल में इससे अच्छे ज्यादा सुविधा है, फाइव स्टार होटल में चले जाए, यहाँ के अच्छे ज्यादा डेकोरेशन और सब कुछ है वहां पर, संसार में हॉल की कमी नहीं है, संसार में जगह की एकोमोडेशन की कमी नहीं है, बड़े बड़े सऊदी इधर तो सब चले जाओ, सब है, अंबार लगा हुआ है वहां तो, पर प्रेम है क्या, कोई नहीं है। तो प्रेम का सपोर्ट, और लास्ट शक्तियों का सपोर्ट, पावर, आत्मा कमजोर है, उसको आधार मूर्त बनना अर्थात शक्तियों का सपोर्ट देना। तो ऐसे ये सात प्रकार के सपोर्ट है, सबसे पहला फिजिकल सपोर्ट, शारीरिक सपोर्ट, दूसरा नैतिक सपोर्ट, तीसरा लाइफ सपोर्ट,
जीवन जीवन रक्षा सपोर्ट, लाइफ सपोर्ट अर्थात जीवन रक्षा सपोर्ट, पीयर सपोर्ट मित्रों के तरफ से सपोर्ट, मैत्री का सपोर्ट मित्रों का, कस्टमर कस्टमर सपोर्ट अर्थात ग्राहक, टेक्निकल सपोर्ट, फिर उसके बाद में सोशल सपोर्ट, उसके बाद में वाइब्रेशनल सपोर्ट। तो ऐसे ये सात प्रकार के सपोर्ट हैं। मैं आधार मूर्त आत्मा हूं, तो मुझे संसार को आधार देना है। ओम शांति।